हाय फ्रेंड्स, स्वागत है सुमन किचन में आपका। और आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडा रोल। अंडा रोल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, आइए बताती हूँ। तो अंडा रोल के लिए है हमारे चाट मसाला, ये है रिफाइन ऑयल, नमक, टमाटो केचप, ये है हरी मिर्च मैंने बारीक काट लिया है, धनिया पत्ता, पत्ता गोभी, खीरा, और ये भी हरी मिर्च ही है पर ये तीखी है, हमारी हरी मिर्च बिल्कुल तीखी नहीं है इसलिए मैंने ये काट लिया है। और ये है प्याज जो मैंने बारीक इसको भी कट कर लिया है। और ये है एक कटोरी मैदा। तो चलिए बनाते हैं अंडा रोल। फ्रेंड्स, मैं इसमें डाल दूंगी आधी टीस्पून नमक, 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल, मिक्स कर लेंगे इसको, अच्छा से मैं मिक्स कर लूंगी। तो आइए फ्रेंड्स, इसका हम डोर लगा लेते हैं। हम नमक और इसमें ऑयल मिक्स कर लिए हैं, तो अब इसका हम बिल्कुल अच्छा सॉफ्ट डोर लगाना है हमें। तो फ्रेंड्स, हमारा ये आटा लग चुका है, अब मैं इसको 15 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी जिससे हमारा आटा सेट हो जाएगा, फिर बनाऊंगी मैं। तो फ्रेंड्स, 15 मिनट हो चुका है, हमारा आटा ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी और मैं इसको थोड़ा सा और मिक्स कर दूंगी ऐसे, उसके बाद से हम अपना लोई बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने सारे लोई बना लिया है, अब मैं एक लोई लेकर के बेलूंगी इसको। तो थोड़ा सा मैं इसको मैदे में डस्ट कर लूंगी, उसके बाद से हम इसको लंबा रोटी बेलेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, हमने ये सारे रोटी बेल लिया है, अब चलिए गैस ऑन करके तावा रखती हूँ मैं। फ्रेंड्स, हमने तावा रख लिया है, अब मैं तावा पे लगा दूंगी थोड़ा सा ऑयल, ऑयल को मैं मिला लूंगी बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, हमारा तावा गर्म हो चुका है और उस पर मैं ये रख दूंगी अपना रोटी, ये हमने रख दिया है। फ्रेंड्स, हम एक एक बॉल में अंडे को तोड़ लेंगे ऐसे मार के। इसके अंदर मैं थोड़ा सा डाल दूंगी ये गरम मसाला और थोड़ा सा नमक, मिक्स कर देंगे। हमारा एक साइड से सिक चुका है, अब हम इसको धीरे से पलट लेंगे। देखिए, एक साइड से सिक गया है, इसको चारों तरफ से लगा दूंगी अपनी रोटी के ऊपर। इसके ऊपर हम लगा देंगे, पूरा अच्छे से फैला देंगे इसको, हम इस तरीके से पलट लेंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी, ये चारों तरफ से हम इसे दबा के पकाएंगे। पलट लेंगे, तो देखिए इधर से हमारा ऑमलेट बिल्कुल अंडा इसमें सिक चुका है। तो ये बिल्कुल आधे मिनट के लिए हम दोनों तरफ से पलट पलट के सेक लेंगे। तो हम नीचे ऑयल लगाए हैं तो उसको हम सेक लिए पहले, उसके बाद से ये हमारा सिक चुका है। अब इसको मैं निकाल लूंगी प्लेट में और दूसरा रोटी अब डाल देंगे। हम इस रोटी को अच्छे से डाल देंगे इसमें। तो फ्रेंड्स, ये दूसरे तरीके से मैं आपको बता रही हूँ बनाना। तो ये हम पलट के दूसरे साइड, ये दोनों साइड से हम रोटी को सेक लेंगे। ये हमारे दोनों तरफ से रोटी सिक चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी और उसके बाद से मैं फिर वही अंडा तोड़ के और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। थोड़ा सा मैं नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी इसमें गरम मसाला और मिक्स कर लेंगे इसको। अब इस तवे के ऊपर हम थोड़ा सा तेल लगा के और इस पर हम अपना ये अंडा थोड़ा हुआ डाल देंगे। उसके बाद से हम रोटी जितना इसको फैला लेंगे, जितना हमें रोटी हमारा रोटी जितना बड़ा है उतने दूर में हम इसको फैला लेंगे। ये देखिए, हमने फैला लिया है। उसके बाद से मैं
अपनी रोटी को उसके ऊपर रख दूंगी इस तरीके से। एक चम्मच के सहारे से हम दबा देंगे चारों तरफ से। उसके बाद से हम ये चारों तरफ से इस तरीके से निकाल देंगे। और देखिए इस तरीके से ये थोड़ी सी रोटी हमारी बड़ी हो चुकी है, थोड़ा सा और हमें फैलाना था, तो इस तरीके से हम कर लेंगे। से इसको पलट पलट के सेक लेंगे। अब इस साइड फिर एक बार मैं पलटूंगी और इधर भी मैं दबा के अच्छा से पका लूँगी। थोड़ा सा हम साइड से तेल डाल देंगे ताकि चारों तरफ से तेल के सहारे से अच्छा से सिक जाए। और मैं बिल्कुल आधी मिनट लो फ्लेम पे सेकूंगी इसको। तो देखिए हमारे नीचे से अंडे ऑमलेट जो है फूल रहे हैं, तो ये हमारे सिक चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा सिक चुका है, अब मैं इसको भी निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स हमने ये सारे अपने एग रोल बना लिया है और अब मैं इसको जल्दी इसमें स्टफिंग डालती हूँ। ले लिया है तो इसमें मैं सबसे पहले अपना गोभी डाल दूंगी। ये पत्ता गोभी हमने बारीक कट कर लिया है। अब इसमें हम ये डालेंगे खीरा इस तरीके से, धनिया, प्याज और ये हरी मिर्च। और हमारी हरी मिर्च तीखी नहीं है तो मैं एक ही मिर्च डालूंगी। थोड़ा सा नमक डालेंगे। इसमें डालूंगी मैं सॉस। आप चाहें तो इसमें चिली सॉस या सोया सॉस और भी डाल सकते हैं। मैं बस टमाटो सॉस डालूंगी। और उसके बाद से हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे ऐसे, देखिए। उसके बाद से मैं इस पेपर से थोड़ा सा कवर कर दूंगी। तो ये हमारा, तो हम इस तरीके से इसे बना लेंगे और ऐसे कवर कर देंगे पेपर से। तो इसी तरीके से हम अपने सारे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स हमने बना लिया है एग रोल और आप भी अपने घर पे बनाइए और टेस्ट कीजिए और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो यदि ये रेसिपी अच्छी लगी तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।